नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में आज से नहीं शुरू हुआ 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन। संक्रमण के बढ़ते दायरे को देख पटना हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। लालू प्रसाद एम्स से डिस्चार्ज होने पर पहुंचे बेटी मीसा के घर। सरकार ने तय की रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतें। देश भर में 24 घंटे में दर्ज हुए 4 लाख से ज्यादा मामले। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। बिहार में आज से नहीं शुरू हुआ 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन। देश भर में आज 1 मई से केंद्र सरकार के आदेश के बाद 18 से 45 की उम्र के बीच वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। मगर आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो आपको कुछ दिन और इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि बिहार में आज से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीन लगाने की शुरुआत नहीं हो रही है। दरअसल इस अभियान के लिए बिहार से लाखों युवा ने रजिस्ट्रेशन तो पहले ही करा लिया है, मगर केंद्र की तरफ से बिहार सरकार को वैक्सीन की डोज नहीं मिली है। दरअसल राज्य सरकार ने केंद्र से इसके लिए पहले 1 करोड़ डोज की मांग की थी और इस बारे में राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी मनोज कुमार ने पहले ही जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार की तरफ से तय वैक्सीन की डोज नहीं मिलने के कारण बिहार के 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान को शुरू होने में देर लगेगी। लालू प्रसाद एम्स से डिस्चार्ज होने पर पहुंचे बेटी मीसा के घर। पिछले 2 महीने में दिल्ली एम्स में इलाजरत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एम्स प्रशासन ने डिस्चार्ज कर दिया है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू यादव आखिरकार कस्टडी से बाहर आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू यादव बड़ी बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट हुए हैं और फिलहाल वे दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित मीसा भारती के आवास पर ही रहने वाले हैं। वहीं उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी उनके साथ है। दरअसल एम्स में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लालू परिवार ने उन्हें घर में शिफ्ट करने का फैसला किया है। मालूम हो कि रांची कारागार में सजा काटने के वक्त लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें रिम्स से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया था, जहां डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट में कई तरह की बीमारियां होने की बात कही थी, जिसके बाद ही लंबे समय से दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। सरकार ने तय की रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतें। एक अच्छी खबर है, अब राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों को निर्धारित कर दिया गया है। इसके साथ ही इंजेक्शन वितरण की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है, ताकि निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से किसी प्रकार की मनमानी न की जाए। इस बात की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने बताया है कि रेमडेसिविर के संबंध में सभी सिविल सर्जनों व अस्पताल अधीक्षकों को कहा गया है कि सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए रेमडेसिविर का 7% डेडिकेटेड कोविड सेंटरों को ही देंगे, बाकी के शेष 40% रेमडेसिविर इंजेक्शन जिला स्थित चिन्हित निजी अस्पतालों को ही दिए जाएंगे। वहीं इसके साथ ही राज्य सरकार ने हिट्रो हेल्थ केयर लिमिटेड की दवा रेमडेसिविर 100 mg कोविफार की दर बिना GST 2500 रुपये व GST के साथ 2800 रुपये तय किए हैं। इसी तरह मिलान फार्मास्यूटिकल्स रेमडेसिविर 100 mg डिसरेम के लिए बिना GST 1400 रुपये लगेंगे व GST के साथ 1568 रुपये को तय किया गया है। वहीं सिप्ला कंपनी के रेमडेसिविर 100 mg लियोफिलाइज्ड के लिए बिना GST 1311 रुपये व GST के साथ 1468 रुपये तय किया गया। वहीं केरला हेल्थ केयर कंपनी की रेमडेसिविर के लिए बिना GST 1158 रुपये तो GST जोड़कर 1298 रुपये तय किए गए हैं। कोरोना से मरने वाले राज्य कर्मियों के आश्रित को अनुकंपा पर मिलेगी नौकरी। बीते दिन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत एक फैसले के अनुसार राज्य सरकार के लिए काम करने वाले वैसे कर्मी जिन्होंने कोरोना से अपनी जान गंवाई है उनके परिवार के हित में निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार ने किसी भी राज्य कर्मियों के कोरोना से मौत होने पर उनके परिवार को विशेष पारिवारिक पेंशन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में कई सरकारी अधिकारियों की जान कोरोना से जा चुकी है, तो वहीं कई अभी भी कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते दायरे को देख पटना हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। बिहार में वर्तमान में संक्रमण का दायरा काफी बढ़ गया है और लाख के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है, जिसके मद्देनजर पटना हाईकोर्ट में जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सख्ती दिखाई है और मरीजों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने की बात सरकार से कही है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश देते हुए पटना के IGIMS अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के साथ ही 2 महीने में वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने बिहटा के ESIC अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए 1 सप्ताह में 300 बेड तैयार करने की बात कही। वहीं हाईकोर्ट परिसर में बने शताब्दी भवन को कोविड अस्पताल बनाए जाने की बात भी कोर्ट ने कही, पर अधिवक्ता संघ व राज्य बार काउंसिल ने इसके लिए सहमति नहीं दी। इसके अलावा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने PMCH में ऑक्सीजन की कालाबाजारी को भी लेकर जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए सुनवाई 3 मई को की जाएगी।
बीजेपी एमएलसी हरिनारायण चौधरी का कोरोना से निधन। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने भाजपा से विधान पार्षद रहे हरिनारायण चौधरी की जान ले ली है। वे कोरोना संक्रमित पाए गए थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद पटना स्थित आईजीआईएमएस में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने देर रात अंतिम सांसें ली है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही हरिनारायण चौधरी की तबीयत में सुधार नहीं दिख रहा था और उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार नीचे आ रहा था। बताते चले कि वे 2015 में ही समस्तीपुर से लोकल बॉडी से विधान पार्षद चुनकर आए थे। बिहार मंत्रिमंडल ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी को दी मंजूरी। राज्य में कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर है, जिसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी के संकट भी अब दूर हो जाएंगे। इसके मुताबिक बिहार सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके लिए अधिसूचना जारी होने की तारीख के बाद से ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में बीते दिन के कैबिनेट मीटिंग में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में बिहार सरकार ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है, जिसमें बिहार में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वालों को 30% सब्सिडी दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को सरकार एक सप्ताह के अंदर जमीन भी दे देगी। वहीं मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लिए बनी नीति के तहत स्टाम्प ड्यूटी तथा लैंड कन्वर्जन फीस में 100% की छूट रहेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले कामगारों के ईपीएफ का 50% अगले 5 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। बिहार में आने वाले 4 मई तक आंधी बारिश की संभावना। बिहार में आने वाले 4 मई तक तेज आंधी और पानी जैसी स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बने चक्रवात के कारण राज्य के अधिकांश हिस्से में 4 मई तक आंधी एवं बारिश के आसार बने हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिससे कि उत्तरी बिहार के अधिकांश जिलों में आंधी के साथ ही बारिश होगी। वहीं मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में 2 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा विभाग ने पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र और गुजरात से बिहार के लिए चलेंगी 12 जोड़ी ट्रेनें। कोरोना काल में मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, उधना, बांद्रा आदि स्टेशनों से बिहार आने वाले ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए पूर्व मध्य रेल की ओर से 12 स्पेशल ट्रेनों के फेरे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 090-1112 उधना दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन उधना से 3 मई को एवं दानापुर से 5 मई को किया जाएगा। इसके अलावा अहमदाबाद कोलकाता अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद से 5 मई को एवं कोलकाता से 8 मई को रवाना होगी, जबकि अहमदाबाद समस्तीपुर अहमदाबाद स्पेशल 9 मई को अहमदाबाद से समस्तीपुर के लिए रवाना होगी। इसके अलावा रेलवे ने मुंबई सेंट्रल मुंबई से 1, 3, 4 और 6 मई को समस्तीपुर के लिए गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। वहीं बड़ोदरा से दानापुर के लिए भी समस्तीपुर के लिए ट्रेन चलेंगी। मुंबई सेंट्रल भागलपुर स्पेशल मुंबई से 2 मई को खुलेंगी। वहीं इन सभी ट्रेनों में आरक्षित बोगियां ही लगाई गई है। आईआईटी पटना में बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही है बम्पर पैकेज। पटना के आईआईटी में बड़ी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। इसे लेकर पहली बार 115 कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हो रही है, जहां पर यहां के विद्यार्थियों को बम्पर पैकेज के साथ सेलेक्ट किया जाएगा। इसके तहत आईआईटी पटना के कैंपस प्लेसमेंट सेल के अधिकारी ने कहा कि यहां मई तक कैंपस प्लेसमेंट चलाया जाएगा, जिसमें पहली बार 115 कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हुई है। इनमें से 45 नई कंपनियां हैं। इसके साथ ही इस बार पैकेज भी काफी बेहतर मिला है। इसके तहत 15 कंपनियों ने स्टूडेंट्स को 30 लाख से ऊपर का सालाना पैकेज दिया है। बता दें कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डीई शॉ, अमेजन, गेम कार्ड, कोऑर्डिनेशन, मीडियानेट, ऑप्टम, एमटीएक्स, स्प्रिंकलर के साथ ही अन्य मल्टीनेशनल कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हो रही है। इसके अलावा जापान और मैक्सिको, यूएसए के साथ अन्य विदेशी कंपनियां आईआईटी पटना कैंपस के लिए पहुंच रही है। आंकड़े के अनुसार बीटेक में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के स्टूडेंट्स का हुआ है, तो दूसरे नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग व तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। पीपीई किट पहने भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह पहुंच गई कोविड वार्ड। जमुई से भाजपा के युवा विधायक श्रेयसी सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना काल में लोगों के बीच मुस्तैदी से बनी हुई है, और इस क्रम में कोरोना पीड़ित मरीजों का हाल जानने के लिए वे खुद ही जमुई सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में चले गई। हालांकि इस दौरान उन्होंने पीपीई किट पहना था, जिसके बाद कोविड वार्ड में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों से मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जानने के साथ ही श्रेयसी ने मरीजों को महामारी से जंग जीतने के लिए हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान भाजपा विधायक ने सिविल
सर्जन और चिकित्सकों से कोरोना के इलाज की स्थिति और सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल निरीक्षण के बाद श्रेयसी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि जमुई को जल्द ही 6 BIPAP मशीन मिल जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से उन्होंने बात किया है। साथ ही 4 वेंटिलेटर को चालू करने के लिए जिला स्तर पर ही तकनीशियन की बहाली कुछ दिनों में कर ली जाएगी। संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जा प्रमुख ने सीएम पर कसा तंज। जा प्रमुख पप्पू यादव इन दिनों बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई अस्पतालों और मरीज के परिजनों से मिलकर निरीक्षण में लगे हुए हैं और वहां की कमी को मीडिया के माध्यम से रखते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर बिहार सरकार पर जमकर जुबानी हमला, इस सरकार पर कोरोना से मौतों का आंकड़ा छुपाने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को कोसते हुए कहा कि विभाग के सभी कर्मियों को बर्खास्त किया जाए जिन्होंने सीएम को बरगलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। 3 महीने के मुफ्त मोबाइल रिचार्ज का ऑफर पूरी तरह है फर्जी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें जियो, एयरटेल और वीआई के नाम से मैसेज आ रहा है, जिसमें एक लिंक पर क्लिक करने से 3 महीने तक फ्री में मोबाइल रिचार्ज करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि आप ऐसे मैसेज से बिल्कुल सावधान रहें क्योंकि ये पूरी तरह फर्जी है और क्लिक करने पर आपका महत्वपूर्ण डाटा भी चुराया जा सकता है। मैसेज में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा वर्क फ्रॉम होम के लिए जियो, एयरटेल और वीआई के ग्राहकों को 3 महीने के लिए मुफ्त रिचार्ज किया जा रहा है। इस संबंध में द सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका खंडन करते हुए फर्जी बताया है और ग्राहकों से इस लिंक पर क्लिक नहीं करने का आग्रह किया है। आईपीएल 2023 केस में पहली हार मिलने के बाद कोहली करेंगे टीम में बदलाव। पिछले सभी मैचों में जीत दर्ज करने के बाद आरसीबी को सीजन की पहली हार पंजाब किंग्स के हाथों मिली है, जिसके बाद से आरसीबी के कप्तान विराट कोहली काफी निराश दिख रहे हैं। टीम की हार से विराट कोहली काफी निराश हैं और उन्होंने संकेत दिया है कि टीम अगले मैच में कुछ बदलाव के साथ उतरेगी। कोहली ने मैच के बाद कहा कि उनकी अच्छी शुरुआत के बाद भी वे बल्लेबाजी में बड़ी साझेदारी नहीं लगा पाए, जिसके बाद उन्होंने अगले मुकाबले में थोड़े बदलाव करने की बात कही है। देश भर में 24 घंटे में दर्ज हुए 4,00,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। पूरे देश में कोरोना के मामले ने 4,00,000 का आंकड़ा छू लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,01,993 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान कुल 3,523 लोग कोरोना से बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर कुल 1,91,64,969 पर पहुंच गया है। वहीं भारत में कोरोना के अभी 32,68,710 एक्टिव मरीज हैं और अब तक 1,56,84,406 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे के रिपोर्ट के मुताबिक कुल 15,853 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 11,194 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके साथ ही बिहार में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 1,00,000 के पार हो चुकी है, जो कि 1,05,400 हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आईपीएल में आज शाम के लिए जाने वाले मैच में एमआई वर्सेस सीएसके में किस टीम का पलड़ा भारी है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।